हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 7.1 एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो चुके थे। नेक्स्ट क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज है अपनी 7.1 RBSE बोर्ड। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, छोटा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस कोट a, साइन a अपॉन 1 माइनस कोट a इज इक्वल टू साइन ए प्लस कोस ए। देखिए बेटा, साइन ए प्लस कोस ए, ठीक है, ये लेके आना है, हमें प्रूफ करना है। LHS पार्ट लेते हैं, LHS कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए। ठीक है बेटा, LHS हमने ले लिया है, LHS वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले पद हमारे कॉस और साइन में हैं ऑलरेडी, ठीक है, हर वाले पदों को साइन और कॉस में अपन चेंज करते हैं। देखिए बेटा, ऊपर तो है हमारा कॉस ए अपॉन 1 माइनस बेटा टेन को चेंज करते हैं, टेन का फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस, ठीक है ना, प्लस बेटा साइन है ऊपर तो बटे 1 माइनस कोट का फॉर्मूला कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है ना बेटा। वन के अपॉन में वन मान लेते हैं, जिससे हम नीचे हर में इसका आराम से बेटा एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर है कॉस ए, ऊपर तो कॉस ए अपॉन एलसीएम कितना आ रहा है दोनों का, कॉस ए, ठीक है, एक का भाग कॉस ए में देंगे, कॉस ए बार कॉस ए का गुणा वन से कॉस ए, माइनस कॉस ए का भाग कॉस ए में एक बार, एक का गुणा साइन ए से साइन ए, प्लस बेटा प्लस आ गया तो प्लस लगा दिया है साइन ए अपॉन बेटा नीचे एलसीएम कितना आया दोनों का साइन ए, तो एक का भाग साइन ए में साइन ए बार साइन ए गुणा एक से साइन ए माइनस, ठीक है बेटा, साइन ए का भाग साइन ए में एक बार, एक गुणा कॉस ए से कॉस ए, ठीक है ना। तो बेटा ये वाला पद कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये भी कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो देखिए बेटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, आगे प्लस है बेटा प्लस लगा दिया, और बेटा साइन ऊपर जाएगा इंटू में, तो साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है बेटा। अब इनके एलसीएम लेने में कोई दिक्कत है थोड़ी सी, यहाँ पर तो है कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पर है साइन ए माइनस कॉस ए, तो बेटा इनका एलसीएम समान करने के लिए यहाँ से हम नेगेटिव चिन्ह बेटा कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर आपका पहले से ही पॉजिटिव है, तो बेटा यहाँ से नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देखिए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए बेटा प्लस, ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन, हाँ बेटा नेगेटिव इसमें से आपका चिन्ह कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन ले लिया है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का, और बेटा ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे दोनों, माइनस, तो देखो एक साथ लिख रहा हूँ। अब देखिए, अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, समान आ रहा है, ठीक है, तो देखो साइड में यहाँ पे देखिए बेटा, दोनों का एलसीएम आ रहा है कॉस ए माइनस साइन ए, तो एलसीएम आ गया कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है ना बेटा। कॉस ए माइनस साइन ए का भाग इसमें देंगे एक बार, एक का गुणा कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर ए, आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया, ठीक है बेटा, इसका भाग इसमें देंगे एक बार, एक का गुणा साइन स्क्वायर ए से, तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर है। देखिए ऊपर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस है माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस
बी, ठीक है। तो बेटा ए की जगह पर क्या है कॉस, तो इसमें ए की जगह पर कॉस लिखना है और बी की जगह पर साइन लिख देना है, ठीक है। तो देखिए कॉस ए माइनस साइन ए इंटू में कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, अपॉन बेटा कॉस ए माइनस साइन ए। बेटा दोनों पद सेम मिल रहे हैं, ऊपर अंश और हर में देखिए कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। बेटा क्या बच रहा है वो नोट कर दो, कॉस ए प्लस साइन ए। और बेटा ये हमारी क्या आ चुकी है देखिए, आर एच एस आ चुकी है अपनी, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। हमने एल एच एस वाला पार्ट लिया, एल एच एस पार्ट को हमने सॉल्व किया है, हाँ। तो देखिए लास्ट में निकल के क्या आ गई हमारी आर एच एस, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस। बेटा ये हमारा सिद्ध हो चुका है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नोट करिए, एक मिनट आपके लिए, 3 30। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 27, बेटा सॉल्व कर दिया है इसको तो नोट करिए आप, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन 27वां, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/10 a प्लस कोट ए, 10 a प्लस कोट ए, ठीक है ना। तो बेटा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, मैं क्लीन कर रहा हूँ इसे, देखिए बेटा प्रूफ करना है एल एच एस और आर एच एस क्या लानी है, दोनों बराबर लानी है, ठीक है। सबसे पहले एल एच एस पार्ट लेते हैं, एल एच एस पार्ट में क्या दिया हुआ है वो नोट करिए, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना। तो बेटा कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है साइन कॉस के पदों में, 1/sin a माइनस, बेटा साइन ए का फॉर्मूला साइन, ये तो पहले से ऑलरेडी साइन में, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में सेक का फॉर्मूला 1/cos a माइनस कॉस का कॉस ही है, ठीक, इनके अपॉन में क्या मान ले 1, ठीक है। बेटा दोनों का एलसीएम, साइन ए आ रहा है इस ब्रैकेट में तो, ठीक है। बेटा साइन का भाग साइन में एक बार, एक गुणा एक से एक, माइनस आ गया तो माइनस लगा दिया, ठीक है। एक का भाग साइन में साइन बार, साइन गुणा साइन से साइन स्क्वायर ए, ठीक है। बेटा दूसरे ब्रैकेट में एलसीएम कितना आ रहा है कॉस ए, ठीक है ना। कॉस ए का भाग कॉस ए में एक बार, एक गुणा एक से एक, माइनस है माइनस लगा दिया। बेटा एक का भाग कॉस ए में कॉस ए बार, कॉस ए का गुणा कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो बेटा आगे देखिए, एक माइनस साइन स्क्वायर, बेटा सरसमका है हमारी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक होता है, तो उस सरसमका से एक माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर। बेटा सब कुछ मैं आपको नोट करवा चुका हूँ पहले ही, ठीक है। अपॉन में क्या है साइन ए इंटू, बेटा इंटू के बीच में, तो एक माइनस कॉस स्क्वायर किसकी सरसम का है बेटा साइन स्क्वायर ए की अपॉन कॉस ए, ठीक है। बेटा साइन स्क्वायर से तो एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉस स्क्वायर से एक एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बेटा क्या बच रहा है साइन ए इंटू कॉस ए, और बेटा आर एच एस में हमें क्या लाना है 1/10 a प्लस कोट ए। बेटा दो तरीके हैं इसके, या तो इसी से आगे बढ़ा दो लेकिन वो थोड़ा आपको अलग लगेगा, इसलिए हम आर एच एस वाला पार्ट लेते हैं, आर एच एस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो आर एच एस में क्या दिया हुआ है वो नोट करिए, 1/10 a प्लस कोट ए, ठीक है ना। बेटा साइन कॉस में चेंज करें क्योंकि हमें क्या लाना है साइन और कॉस लेके आना है, ठीक है। तो 1/10 a का फॉर्मूला साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कोट ए का फॉर्मूला कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। बेटा नीचे एलसीएम लीजिए, 1/ नीचे एलसीएम कितना आ रहा है साइन कॉस, तो बेटा साइन ए कॉस ए, ठीक है ना।
बेटा कॉस ए का भाग इसमें देंगे तो कॉस ए तो कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है साइन ए, और साइन ए गुणा साइन ए से साइन स्क्वायर ए प्लस, बेटा साइन ए का भाग साइन ए में ये तो कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है कॉस ए गुणा कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए। बेटा ये क्या हो रहा है एक हो रहा है, और ये पद कहाँ जाएगा ऊपर इंटू एक के इंटू में जाएगा, तो बेटा यही रहेगा, ये तो पहुँच गया ऊपर साइन ए इंटू कॉस ए, और बेटा अपॉन में क्या बच रहा है इसका मान कितना होता है वन, तो बेटा वन का भाग देंगे तो यही पद आ जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस ए। और बेटा यही तो हमारे देखो आरएचएस वाला पार्ट हमने सॉल्व किया तो कितना आ रहा था साइन ए कॉस ए, आरएचएस वाला पार्ट हमने सॉल्व किया तो कितना आ रहा साइन ए कॉस ए। बेटा समीकरण एक, इसको दो कह देते हैं, समीकरण एक व इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो बेटा एलएचएस बराबर आरएचएस, और ये हमारा सिद्ध हो चुका है बेटा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, इति सिद्धम। बेटा कॉपी करिए, क्वेश्चन अच्छा है, इजी है, अच्छे से नोट करें, अच्छे से अभ्यास करें, ठीक है, तो बेटा नोट करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 28। बेटा नोट करिए, बेटा क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एलएचएस लेते हैं, एलएचएस में क्या दिया हुआ है नोट करिए, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बेटा देखिए कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, बेटा टेन को बदल दें साइन कोस में, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस, बेटा ये तो पहले से साइन कोस में है, साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो बेटा इनका एलसीएम कितना आ जाएगा नीचे, ऊपर तो वह देखिए कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, इनका एलसीएम लीजिए कितना रहा है कॉस थीटा, एक का भाग कॉस में कॉस, कॉस गुणा एक से कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं सॉरी कॉस थीटा माइनस कॉस का भाग कॉस में एक बार, एक का गुणा साइन से साइन थीटा प्लस। बेटा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो बेटा आगे देखिए ये कॉस कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा इंटू में, तो बेटा कॉस स्क्वायर इंटू कॉस कॉस क्यू थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बेटा प्लस, ठीक है। आगे साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बेटा एलसीएम दोनों का सेम है लगभग, यहाँ पर है साइन माइनस कॉस और यहाँ पर है कॉस माइनस साइन, तो बेटा एलसीएम समान करने के लिए इसमें से आप नेगेटिव चिन्ह बेटा कॉमन लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कॉस क्यू थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस बेटा साइन क्यू थीटा बटे, बेटा माइनस कॉमन लिया है तो ये तो हो जाएगा प्लस का और ये किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और बेटा ये प्लस था, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस किसका हो जाएगा माइनस का, अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो बेटा अब इनका एलसीएम दोनों का सेम आ रहा है, देखो तो एलसीएम आ गया साइन थीटा माइनस नहीं सॉरी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बेटा इसका भाग इसमें देंगे एक बार, एक गुणा कॉस क्यू से कॉस क्यू थीटा माइनस है तो माइनस, बेटा इसका भाग इसमें देंगे एक बार, एक गुणा साइन क्यू से साइन क्यू थीटा। और बेटा यहाँ पर आपकी सरसम को बन रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की सरसम का क्या होती है आपको कल मैंने नोट करवाई थी, फिर भी एक बार और देख लो। तो बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, इसकी सरसम का होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है बेटा ये होती है इसकी सरसम का, ठीक है। तो देखिए बेटा ए की जगह पर तो है कॉस और बी की जगह पर है साइन, ठीक है। तो बेटा ए की जगह पर कॉस और बी की जगह पर साइन इसमें जमा दो, तो
तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन अपॉन में क्या दिया हुआ बेटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो नोट कर दो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बेटा ये दोनों ब्रैकेट सेम है ऊपर नीचे के, तो बेटा कैंसिल आउट हो गए दोनों। और बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, वन होता है, तो वन प्लस बेटा क्या बच रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। और बेटा ये हमारी क्या आ गई, आरएचएस, ठीक है ना, आरएचएस वाला पार्ट आ चुका है, अतः एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। बेटा दोनों पार्ट सेम आ चुके हैं, हमने एलएचएस वाले पार्ट को लिया है, एलएचएस वाले पार्ट को जब सॉल्व किया है, पूरा सॉल्व कर दिया उसको, बेटा हमारे क्या निकल के आ गई, आरएचएस आ गई, तो एलएचएस बराबर आरएचएस आ गए। तो बेटा इति सिद्धम, ये हमारा सिद्ध हो चुका है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन अच्छे से नोट करें, अच्छे से कॉपी करें, और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व करते हैं, हाँ बेटा, हाँ क्वेश्चन नंबर 29। बेटा यदि हमें दिया हुआ कि P बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा हो, तो सिद्ध कीजिए कि P स्क्वायर माइनस वन अपॉन P स्क्वायर प्लस वन बराबर sin थीटा। तो बेटा LHS लेते हैं, LHS हमें यह सिद्ध करना है, तो इसमें LHS हमारी P स्क्वायर माइनस एक बटे P स्क्वायर प्लस एक, ठीक है। और बेटा P की वैल्यू कितनी दी हुई है, P इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। तो बेटा मान रख दो P की जगह पर sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। बेटा P का मान तो ये रख दिया है, P का वर्ग हो रहा है तो वर्ग लगा दिया है, माइनस वन अपॉन, हाँ बेटा P की वैल्यू लिखी नीचे भी, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दी, प्लस वन, ठीक है ना। तो बेटा देखिए होल स्क्वायर खोलिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दो ए बी माइनस वन अपॉन बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दो ए बी बेटा प्लस वन, ठीक है ना, एनी डाउट, ओके बेटा। तो देखिए बेटा sec स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, देखो मैं इनको एक साथ लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, sec स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस टू sec थीटा tan थीटा, ठीक है, बटे बेटा इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ, sec स्क्वायर थीटा प्लस वन, यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा है ही, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस वन, आगे लिखा हुआ है टू sec थीटा tan थीटा। बेटा ये हमारी सरसमकाएं होती है, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिख दिया है, ठीक है। तो बेटा sec स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस दो sec थीटा tan थीटा अपॉन, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा प्लस, बेटा ये क्या होता है, टेन स्क्वायर प्लस वन sec स्क्वायर थीटा प्लस दो sec थीटा tan थीटा, ठीक है बेटा। आगे देखिए बेटा टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, दो टेन स्क्वायर हो गए, दो tan स्क्वायर थीटा प्लस बेटा इन दोनों से मिलकर दो हो गए प्लस दो sec थीटा tan थीटा, दो sec थीटा tan थीटा अपॉन, ठीक है बेटा, sec स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर, दो sec स्क्वायर थीटा प्लस बेटा ये दोनों sec स्क्वायर हो गए दो प्लस दो sec थीटा tan थीटा, दो sec थीटा tan थीटा, ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें इस पद में से और इस पद में से क्या कॉमन आ रहा है वो देखिए, देखो दो इसमें भी है और इसमें भी है, दो इसमें से कॉमन ले लिए, ठीक है बेटा। यहाँ पर टेन स्क्वायर है, इसमें टेन है, तो एक टेन आ जाएगा,
एक तो टेन थीटा कॉमन आ गया, ठीक है बेटा। ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यहाँ से तो देखो दो कॉमन ले चुके हैं, टेन स्क्वायर में से एक टेन ले चुके हैं, तो बेटा क्या बच रहा है, टेन थीटा। तो देखिए टेन थीटा प्लस, ठीक है बेटा, प्लस है तो प्लस लगा दिया, दो हमने कॉमन ले चुके हैं हम, और बेटा टेन थीटा कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बच रहा है, सेक थीटा प्लस सेक थीटा। इसी प्रकार बेटा नीचे से कॉमन लीजिए, नीचे से कॉमन आएगा आपका टू सेक थीटा, और बेटा आपको ब्रैकेट में बचेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है ना। देखिए नीचे आपका टू इसमें है और टू इसमें है, बेटा दो दोनों में से ये कॉमन रख लिया, इसमें सेक स्क्वायर है, इसमें सेक है, तो बेटा सेक थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस, बेटा प्लस है, और बेटा यहाँ से सेक कॉमन ले लिया, तो हम और यहाँ से क्या बचेगा, टेन थीटा, टेन थीटा। बेटा ये दोनों पद समान है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, और बेटा टू से टू कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बच रहा है, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। बेटा टेन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें लाना क्या है आरएचएस में, पहले तो ये देखिए साइन थीटा लेके आना, तो बेटा इन्हें साइन और कॉस के पदों में बदलिए, तो देखिए इसको चाहे ऐसे लिख लो, टेन थीटा भाग सेक थीटा, ठीक है बेटा, अपॉन में है, भाग में है, तो इसको मैंने भाग का चिन्ह लगा के रख लिया है। अब इनके मान चेंज कर दो, बेटा टेन का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भाग, बेटा सेक का फॉर्मूला कॉस थीटा अपॉन वन, ठीक है, तो बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बेटा बाकी जगह पर क्या हो जाता है, गुणा, और भाग से जो अगला जो पद है वो क्या हो जाता है, उल्टा, वन अपॉन कॉस थीटा, बेटा कॉस, एक सेकंड, बेटा सेक थीटा का फॉर्मूला वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, तो बेटा सेक थीटा का फॉर्मूला होता है वन अपॉन कॉस थीटा, और बेटा ये क्या हो जाएगा, उल्टा, कॉस थीटा अपॉन वन, ठीक है ना, बेटा कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो बेटा क्या बच रहा है, ओनली साइन थीटा रह गया, और बेटा ये क्या है हमारी, आरएचएस, आरएचएस आ चुकी है, तो बेटा एलएचएस बराबर आरएचएस, अतः एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, या फिर बायां भाग बराबर दायां भाग, ठीक है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बेटा हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। बेटा क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे से अभ्यास करें, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी वे से हमने इसको सॉल्व कर दिया है, तो अच्छे से नोट करें बेटा, गलती कहीं ना करें, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 30। बेटा क्वेश्चन नंबर 30 देखो, इसमें क्या कह रहा है बेटा, कॉस ए अपॉन कॉस बी इज इक्वल टू एम, तथा कॉस ए अपॉन साइन बी इज इक्वल टू एन हो तो सिद्ध कीजिए। बेटा क्या सिद्ध करना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है, तो बेटा हमें ये पार्ट सिद्ध करना है एन स्क्वायर के बराबर, ठीक है, एल एच एस को हमें आर एच एस के बराबर लेके आना है, तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो बेटा एल एच एस वाला पार्ट क्या दिया हुआ है वो नोट करिए, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, ठीक है बेटा, वैल्यू रखिए, एम की वैल्यू कितनी है ये दे रखिए, और एन की वैल्यू कितनी है ये दे रखिए बेटा, ठीक है, तो इसमें रख दो, तो बेटा देखिए एम का मान कितना है, कॉस ए बटे कॉस बी, बेटा एम का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस एन का मान कितना है, कॉस ए अपॉन साइन बी, ठीक है बेटा, वर्ग है ये, एन का स्क्वायर हो रहा है तो इसका वर्ग लगा दिया, और ब्रैकेट ऑफ बाहर क्या है, कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, तो देखिए बेटा आगे, बेटा स्क्वायर हटा रहा हूँ मैं, तो इस पर भी स्क्वायर आएगा अंश में भी, और हर में भी स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, ठीक है बेटा, दोनों का हो गया, दोनों का एलसीएम, कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी, बेटा इसके साथ ये और दिया हुआ है, ठीक है ना, बार कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, तो बेटा
इसका भाग जब इसमें देंगे कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है साइन स्क्वायर बी गुणा कॉस स्क्वायर ए से होगा, तो बेटा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस, ठीक है बेटा, साइन स्क्वायर बी का भाग साइन स्क्वायर बी में देंगे जब एक बार, और बेटा क्या रह जाएगा कॉस स्क्वायर बी गुणा बेटा कॉस स्क्वायर ए से करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक है बेटा, ब्रैकेट ऑफ और बाहर क्या है कॉस स्क्वायर बी, ठीक है ना बेटा, नीचे हर में भी कॉस स्क्वायर बी है और इंटू ऊपर भी क्या है कॉस स्क्वायर बी, बेटा कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है देखिए हमारा बच रहा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस नहीं सॉरी कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी अपॉन में क्या रह गया बेटा साइन स्क्वायर बी। अब देखिए बेटा ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है हमारा, ऊपर से कॉमन आ रहा है, देखो इस वाले पार्ट में कॉस स्क्वायर ए है, इसमें भी कॉस स्क्वायर ए है, तो बेटा दोनों में इसका कॉमन आ रहा है कॉस स्क्वायर ए, तो देखो कॉमन रखिए कॉस स्क्वायर ए कॉमन, यहाँ से कॉमन रख लिया, यहाँ से क्या बच रहा है फिर साइन स्क्वायर बी प्लस, बेटा प्लस है आगे तो प्लस लगा दिया है, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए कॉमन आ चुका है तो बेटा क्या बच रहा है कॉस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। और बेटा यहाँ पर देखिए ये थीटा की वैल्यू समान है, यहाँ पे बी है यहाँ पे बी है, तो हमारी सरसम का लग रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बेटा क्या होता है इसका मान एक होता है, तो देखिए कोस स्क्वायर ए अपॉन अपॉन में क्या रहेगा साइन स्क्वायर बी, ठीक है, और बेटा इंटू में एक, चाहे एक को लिखो और चाहे मत लिखो, ठीक है, इंटू वन, देखिए बेटा दोनों का स्क्वायर है तो इनका एक साथ स्क्वायर लिख दे कॉस ए बटे साइन ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और बेटा ये मान किसका दिया हुआ है हमें, देखिए कॉस ए बटे साइन बी का मान कितना है कॉस ए बटे साइन बी का मान एन है, तो बेटा इसकी जगह पर क्या लिख दिया एन, और इसका क्या हो रहा है वर्ग, तो वर्ग लगा दिया बेटा, हमारी ये आर एच एस मिल रही है, दोनों पार्ट मिल चुके हैं, एल एच एस को हमने सॉल्व किया है और बेटा क्या निकल के आ गया हमारा आर एच एस, तो बेटा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस बेटा इति सिद्धम, ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इजी है, और अपनी एक्सरसाइज 7.1 बेटा फिनिश हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में हम 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे आपको, ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से अभ्यास करें, क्वेश्चन अच्छे से नोट करें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।